तो आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ में है। वहीं खबरों की शुरुआत से पहले चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजस्थान सहित मंदसौर में लगातार बारिश जारी। गांधी सागर में लगातार पानी की आवक से खुले सभी 19 गेट, डूब क्षेत्रों में प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। भोपाल में फिर हुई तेज बारिश। लहारपुर में 3 बच्चों समेत 4 का 36 घंटे बाद रेस्क्यू। बाढ़ के चलते कई इलाकों में पीने के पानी की समस्या। गांधी सागर व कोटा बैराज के गेट खुलने से कोटा में पानी ने मचाई तबाही। कई गांव बने टापू। निचले बस्तियों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों को उठाना पड़ा भारी नुकसान। इंदौर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। विदिशा में बाढ़ से घिरे 2000 लोग। सड़कों पर चली नाव, सीएम ने किया हवाई सर्वे। नीमच में बीते 2 दिन से लगातार बारिश ने खोली वार्ड नंबर 14 में महाराणा प्रताप बंगले की पोल। जलभराव की स्थिति से रहवासी परेशान। नीमच कृषि उपज मंडी में उपजों की बंपर आवक। इसबगोल 400, कलौंजी 200 व अलसी 25 रुपए तेज। दाम सही नहीं मिलने से किसानों में मायूसी। नीमच मंदसौर में भारी बारिश से आफत। खेत में जलभराव व फसलों में पीलापन आने को लेकर किसान परेशान। फसल उत्पादन में होगी परेशानी। नीमच के पिपलौन ग्राम में नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह हुआ आयोजित। बरसते पानी में बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीण। भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पटदार भी रहे मौजूद। खंडवा की नर्मदा नदी का बड़ा जलस्तर। मोरटक्का पुल से भारी वाहनों की आवाजाही हुई बंद। नर्मदा घाटी के ऊपरी क्षेत्र में हो रही बारिश से इंदिरा सागर सहित ओंकारेश्वर का जलस्तर बढ़ने से बांधों के गेट खोल 20,000 क्यूमेक से छोड़ा जा रहा पानी। गांधी सागर का जलस्तर बड़ा। मंदसौर जिले से लगे आकिया गांव को कराया जा रहा है खाली। निचली बस्तियों में बड़ा बाढ़ का खतरा। पुलिस के साथ प्रशासन पहुंचा गांव। उज्जैन में ट्रक ट्रैक्स की टक्कर के बाद उठी 4 स्कूली बच्चों की अर्थियां। गांव में पसरा मातम। परिवार जनों का रो रो कर बुरा हाल। एमपी में फिर बदलेगा मौसम। 4 जिलों और 4 संभागों में भारी बारिश की चेतावनी। सीएम ने दिए निर्देश। मौसम विभाग ने जताया भारी बारिश का पूर्वानुमान। अब जानते हैं सभी खबरें विस्तार से।